नमस्कार साथियों आप देख रहे हैं हमारा चीज साला यूट्यूब चैनल कर्मचारियों का भरोसेमंद यूट्यूब चैनल है बड़ी अच्छी खबर है कच्चे व पक्के कर्मचारियों को लेकर आपको बता रामलीला मैदान के अंदर जो कर्मचारियों ने जो पूरी राष्ट्रव्यापी पूरी हड़ताल यानी कि पूरे राष्ट्र से जो पूरे भारत से आए हुए थे कर्मचारियों की मांगों को लेकर तो ओ बहाली का कहा कि हम ओ बहाल करेंगे हरियाणा में और हरियाणा की यहाँ पर जिक्र कर रहा हूँ मैं और दूसरी बात जो हमारे दीपेंद्र हुड्डा उन्होंने कहा है और कहा है कि जो कौशल में जो कर्मचारी लगे हुए हैं और साथ में जो अग्निवीर है अग्निवीर नौकरी छोड़ छोड़ कर आ रहे हैं वो चाहते हैं कि हम चाहेंगे अग्निवीर को भी खत्म किया जाए और हरियाणा में सरकार आ जाती है तो ओपीएस लागू होगी जैसे अन्य राज्यों में हो रही है और जो कौशल के लगे कर्मचारी उन्होंने ये भी कहा है कि सरकार को चाहिए कि इनको पक्का करे और हम भी कोई ऐसा रास्ता निकालेंगे कौशल को आते ही भंग करेंगे एक तो ओपीएस लागू और कौशल को आते ही भंग करना लेकिन जो कौशल में लगे हुए कर्मचारी उनका क्या होगा तो इस पर उन्होंने यही कहा है हम कौशल को बंद करेंगे और जो भी कौशल के कर्मचारी है उनको कुछ परमानेंट करने कोई ना कोई रास्ता हम निकालेंगे तो अब आपको क्या लगता है और ये जो रामलीला मैदान में जो रैली थी कर्मचारियों की बहुत बड़ी रैली थी ये पूरे भारत की तो और यहां पर विभिन्न राज्यों से जो प्रधान आए हुए थे कर्मचारी आए हुए थे इसी बात को लेकर और ये जरूर सरकार का रुख बदल देगा कच्चे ओपीएस और कच्चे कर्मचारियों का नियमितीकरण ये दो ऐसी वोटर हैं जो पूरा सिस्टम हिला देंगे की बार हिमाचल में देखा यही हुआ और यहाँ पर तो बहुत ज्यादा संख्या में है हिमाचल तो कुछ भी नहीं यहां पर तो बहुत ज्यादा संख्या में इंप्लॉई है कॉन्ट्रेक्टर इंप्लॉई तो वो अपना रुख बदल देंगे अब कौशल में देख लो कितने हैं तो इससे और आपको बता दें अभी राजस्थान में और एक दो छत्तीसगढ़ में और दो तीन जगह एक दो जगह और इलेक्शन है मिजोरम में भी है शायद तो देखते हैं क्या रुझान आता है अगर वहाँ पर कांग्रेस आ जाती है या बीजेपी हार जाती है वही उन राज्यों में तो हरियाणा में इसका पूरा प्रभाव पड़ेगा आप तुम तुम देख लेना एक यानी कि नए साल के आप अंदर नए साल में आपको सरकार पक्का कर देगी लेकिन देखो होने वाला क्या है और आपको क्या लगता है जिन जिन राज्यों में इलेक्शन है वहाँ पर कौन सी सरकार आ सकती है आपको क्या लगता है कॉमेंट करना है और आपको क्या लगता है जो दीपेंद्र सिंह हुडा ने कहा क्या वो सच करेंगे ओ लागू करेंगे कर्मचारी वो पक्का करे कांग्रेस सरकार आपको क्या लगता है कमेंट करना है और कमेंट में ये भी लिखिए सरकार हमें पक्का करे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है सभी ग्रुपों में शेयर करना है हर वीडियो को इतना वायरल करना है इतना वायरल करना है कि सोशल मीडिया पर आप लोगों की आवाज़ पहुंचे और आपका ये वोटर बैंक दिखाई दे सरकार को और वीडियो को शेयर